हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ। ये भजन मुझे याद है, 3 जनवरी 2016 को लिखा था मैंने। भजन कीर्तन 2014 में मैंने छोड़ दिए थे 2015 में, और जब शुरुआत की तो पहला भजन ये लिखा 3 जनवरी 2016, और 26 जनवरी 2016 को सूरत में जो बाबा श्याम का मंदिर है उसके लिए महायज्ञ हुआ था, उसमें मुझे जाने का मौका मिला था। मेरी जिंदगी बदल गई उस एक कीर्तन से। वो 26 जनवरी 2016 थी जब कन्हैया मित्तल को 10-20 हजार लोग जानते थे, लेकिन गिने चुने 3 सालों के अंदर बाबा श्याम ने लाखों क्या करोड़ों भक्तों के दिलों तक पहुंचा दिया। उस कड़ी का पहला भजन सुना रहा हूं, द बिगनिंग ऑफ कन्हैया मित्तल 2016। हार गया था तूने थामा था, बोला था अब ना छोड़ूंगा, आज फिर से तेरी जरूरत है, जो छोड़ोगे तो मैं रो दूंगा। आइए, 1 घंटा मैं क्षमा चाहूंगा श्याम सेवा समिति से, ये तार जो है वो जुड़ गई है, अब मैं हूं और मेरा सांवरा है। मेरी गुजारिश आपसे, प्रेम से सुनते रहिएगा जो गाता रहूंगा। आधा घंटा है, अगर आपके पास सब कुछ है तो उसके लिए मांग लेना जो कुछ चाहता है, लेकिन इस आधे घंटे में मिलेगा जरूर, मेरी गारंटी है आपसे। बाबा को देखते रहना, कोई भी पीट करके मत बैठना, देखकर गाना कि बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, बोलो हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ, कैसे होता है हारा हुआ, हारा हुआ कैसे होता है।
मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बोले भक्तों की नाव चलाता। क्या क्या किस्से सुनाऊं साहब आपको? हिसार कपड़े का व्यापारी, छोटी सी दुकान साड़ी की, रोज का 1000-2000 रुपए का गल्ला, बेटी का रिश्ता करने निकला तो लड़के वालों ने 50,000 रुपया नकदी मांग लिया। बेटी बोझ नहीं होती साहब, बेटी को बोझ दहेज के लालची लोग बना देते हैं। बेटी बोझ नहीं होती, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड लड़ जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे पर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है बेटियां साहब। बेटियां बोझ नहीं होती। लड़के वालों ने शर्त रखी, अगर सातवें दिन 50,000 आ गए तो रिश्ता पक्का, नहीं तो रिश्ता तोड़ देंगे। बाबा का पक्का प्रेमी था, कुछ नहीं सोचा, बोला आप 7 दिन कहते हो, मैं 5वें दिन दे जाऊंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन भरोसा बाबा का। घर पर आया, धर्म पत्नी को बोला मैं रिश्ता तय कराया बिटिया का, और 7वें दिन 50,000 मांगे थे, मैंने 5वें दिन की हां भर दी। धर्म पत्नी बोली अपना तो तुम्हें होश नहीं है, इस खाटू वाले के पीछे पागल हुए पड़े हो, मेरी बेटी का भी, मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब कराए, कहां से आएंगे 50,000 रुपए 5वें दिन, तिजोरी में 500 रुपया नहीं है। सामने से जवाब आया, पगली जिसने 45 साल तक सांस दे दिया वो 5वें दिन तक क्या 50,000 नहीं दे सकता? बोला देखती हूं मैं भी कितनी तुम्हारी मदद करता है। पहले दिन गया, दुकान खोली, शटर उठाया, जो जलाई, आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा, पूरा दिन निकल गया, 1500 रुपए का गल्ला। घर गया, घरवाली ने ताना दिया, ले आए 50,000, चुपचाप खाना खा के सो गया। अगले दिन फिर दुकान खोली, जो चलाई, बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा तूने तूने उस जीवन को पूरे दिन की कमाई 2000 रुपए कर गया, 3500 रुपया 2 दिन में जुड़ा। तीसरे दिन गया, दुकान खोली, कोई पूछने भी नहीं आया, खाली हाथ घर चला गया। चौथे दिन गया, चौथा दिन भी खाली चला गया, लेकिन जब 5वें दिन आने लगा, घरवाली ने कहकर भेजा था अगर पैसे नहीं जोड़ पाए तो घर मत आना, तुम्हारे इस खाटू वाले की तस्वीर घर से बाहर रख दूंगी अगर नहीं लेकर आए तो। प्रेमियों, दोपहर का 1 बज गया, प्रेमी बैठा है बाबा की जोत जलाकर, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम बाबा, आजा 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 श्याम बाबा। पूरे बाजार का नियम, पूरा बाजार दोपहर में बंद होगा, पूरा बाजार दोपहर की रोटी खाने घर जाएगा, ये नियम था बाजार का। लेकिन जिसकी लाज आज कसौटी पे खरी उतरने का समय हो, उसको भूख कहां से लग जाएगा? वो दुकान खोल के बैठा रहा, पूरा बाजार बंद, अकेला बैठा है। तभी बाबा से बोला, बाबा अगर आज नहीं आया तो फिर कभी मत आना, अगर आज नहीं आया। प्रेमियों, 15 मिनट के बाद एक सफेद कुर्ते पजामे में एक शेर दौड़ता हुआ आया, भाई साहब मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता किया है, मुझे 2.5 लाख की साड़ियां चाहिए, पूरा बाजार बंद है, सिर्फ 15 मिनट में लेकर जानी है मुझे, मुझे मेरी मदद कर दीजिए, मुझे दुकान से सामान दे दीजिए। बाबा क्यों नहीं आता साहब, बाबा
बाबा को हमें बुलाना नहीं आता था। वो परीक्षा लेगा, परीक्षा लेना उसका हक है, उसका अधिकार है, लेकिन क्या हम परीक्षा में खड़े नहीं उतर सकते साहब? बाबा से मांगो बाबा, अपने लायक जो समझा मेहरबानी आपकी, अपने लायक जो समझा मेहरबानी आपकी। आगरा में क्या हमसे बड़े सेठ नहीं बैठे? हमसे अमीर लोग नहीं बैठे क्या? बैठे हैं, लेकिन उनके हिस्से में ये सेवा नहीं है, उनके हिस्से में ये ताली नहीं है, उनकी तकदीर में शाम का नाम नहीं है साहब। हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन बाबा शाम की कृपा हो गई थी हम पर साहब, और बाबा ने कहा था ये बच्चा मेरा है, इसको अपने दर से इधर उधर जाने नहीं दूंगा। एक बार मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता, अपनों के सताए हैं तेरी शरण में आए हैं, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। सारी दुनिया कहती है हाथ उठाते हैं ताली बजाते हैं, क्या होता है? द्रौपदी पूरा कुणबा बैठा था, पांचों धुरंधर पति बैठे थे, पूरा ससुराल बैठा था, साड़ी जब लाज कोई नहीं बचा पाया, जब तक खुद साड़ी को पकड़ के खड़ी रही तब तक भी गिरधारी नहीं आया, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ उठा दिए गिरधारी उसी समय आ गया। इसलिए ये हाथ उठवाए जाते हैं और जो ताली बजाते हैं बाबा के कीर्तन में आते हैं वही, बाबा के कीर्तन में आते हैं वही, आते हैं वही रिझाते हैं वही, जो शाम दीवाने हैं, जो शाम दीवाने हैं, शाम दीवाने हैं, शाम दीवाने हैं। मैंने बाबा को बोला था सुनना, बाबा को कहना परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों सताता, जब परिवार में कोई बीमार होता है तो वो अकेला बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है कि ये कब ठीक होगा। अमीर वो नहीं है जिसके घर में 5 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल है, क्या फायदा साहब ऐसे डाइनिंग टेबल का जिसमें बैठ के कोई रोटी नहीं खाता। अमीर तो वो है चाहे घर में चटाई बिछी हो मगर पूरा परिवार एक साथ बैठ कर भोजन करता हो, अमीर वो है। मैं पुनः गुजारिश करूंगा आज कीर्तन से जाने के बाद कल से अपने जीवन का सिस्टम बदलो, अपनों से बात करना सीखो। आज डॉक्टर से ज्यादा भीड़ काउंसलिंग वालों के पास है, साइकाइट्रिस्ट के पास है, क्यों? हम शरीर से बीमार नहीं है, हम दिमाग से परेशान हैं, दिमाग से बीमार है। आज किसी को परिवार में धन की जरूरत नहीं है, परिवार में जरूरत है तो इज्जत की जरूरत है, मान मर्यादा की जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है। आप किसी को, दो भाई है, एक भाई को धन कम दे देना मगर उसको इज्जत ज्यादा दे देना, वो आपसे कभी ज्यादा नहीं मांगेगा साहब, धन नहीं मांगेगा वो। ऐसा ही ये दरबार है, यहां पर मान सम्मान दे देना किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए साहब। बाबा के दरबार में आए हो बाबा से मांग लो कि बाबा हमें भी अपने चरणों से लगा लो, हमको गले से लगा लो, बोलो हम गिर रहे हैं उठा लो, हम गिर रहे हैं, हम तुम्हारे हैं।
हैं सांवरिया हम तुम्हारे बुरे कर्मों से हमको बचा लो चरणों से हमको लगा लो हम गिर रहे हैं। अच्छा किसी का जाने का मन है क्या दरबार छोड़ के शोर मचा के बताओ अगर नहीं है तो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं क्यों सांवरिए से जब भी बातें हो जाती हैं और दिल में बेचैनी हो दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है जब किसी को सांवरे से प्यार होता है जब किसी को सांवरे से प्यार होता है। विपिन जी देखो जरा कितना टाइम हो रहा मैं तो घड़ी बांध के नहीं आता एक बज गया। मोहब्बत के नाम पे लाखों बीमार बैठे हैं लाखों बीमार हो गए ये सांवरे को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ओ पंछी बनकर उड़ता है ये दिल बोलो क्यों ओ खाटू जाकर सांवरिए से मिल दीवानों सी हालत होती है दीवानों सी हालत होती है ओ मत पूछो फिर क्या क्या होता है मत पूछो फिर क्या क्या होता है जागती आंखें देख कर सपना जागती आंखें देख कर सपना जब सांवरिया लगता है अपना जब सांवरिया लगता है अपना दिल में बेचैनी हो दिल में बेचैनी हो दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है जब किसी को सामने से प्यार होता है जब किसी को सामने से प्यार मैं बाबा से क्या कहता हूँ आज धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना। देखो जिसको लगता है वो गाना जो थक गया हो वो मत गाना आनंद आ रहा हो वो गाना धीरे धीरे जाना रात तू धीरे धीरे जाना क्यों मजा सारे भक्तों का सारे भक्तों का बिगड़ जाएगा मेरा शाम मुझसे बिछड़ जाएगा मेरा शाम मुझसे बिछड़ जाएगा मेरा शाम मुझसे चल जाएगा। लेकिन है श्याम बाबा ये रात को एक बजे जो ताली बजा रहे हैं ये मेरे लिए नहीं बजा रहे ये आपके लिए बजा रहे हैं। ये जो जयकार लग रही है ये आगरा के सेठ की नहीं खाटू नरेश की लग रही है। अगर आप इनके साथ नहीं गए तो साहब एक बार जाकर देखो मौज करा देंगे आगरा में। कौन कौन लेकर जाएगा बाबा को जरा ताली बजा जोर से लखदातार की खाटू से चिट्ठी आई है चिट्ठी बड़े दिनों के बाद मेरे सांवरिए को आज बड़े दिनों के बाद मेरे सांवरिए को भगत की याद सताई है चिट्ठी आई है मुझे भी बड़े दिनों के बाद आई है
और मैं बताऊं क्या होगा खाटू में, जरा ताली बजा। खूब सजी खाटू की गलिया, रस्ता देख रही थी अखिया, रस्ता देख रही थी अखिया, आगरा में रहने वाले, आगरा में रहने वाले, खाटू कभी कभी आने वाले, खाटू कभी कभी जाने वाले, आजा उम्र बहुत है छोटी, मैं दे दूंगा तुझको रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। इसलिए बाबा ये लाइफ इंश्योरेंस है सबसे बड़ी, जो मैं दो लाइनें गा रहा हूं। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता। दिल्ली का एक प्रेमी, 30 साल का नौजवान, खाटू जाया करता, दिल्ली में व्यापार करता, कभी कभी कीर्तन में भी चला जाता था। किसी दोस्त के भड़काने पे अमेरिका चला गया, बोला डॉलर में कमाएंगे आजा, सब कुछ बेच दिया, अमेरिका चला गया। 6 महीने में रुपया पैसा खत्म, सड़क पे आ गया। जिस मित्र ने बुलाया था उसने ठग लिया और घर से भी निकाल लिया। रात को 11:30 बजे सड़क पे बैठा कैलिफोर्निया की, बाबा को कह रहा है बाबा, बस इतना ही बोला बाबा, इतने में तो आसमान में लीला घोड़ा नजर आने लग गया। बोला बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना किसी का कभी धन दबाया, जीवन में कुछ भी करना प्रेमियों, किसी के हक का धन कभी मत दबा लेना। 5-10 साल मौज कर लोगे लेकिन अगली 700 पीढ़ियों को खराब कर लोगे, 700 पीढ़ी खराब हो जाएगी। धन कमाना अपनी अपनी मेहनत का, अपने पसीने का, किसी की मेहनत की कमाई मत दबा लेना। बाबा को कहने लगा बाबा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मैं आज सड़क पे क्यों आ गया। बाबा बोला बेटा जब दिल्ली रहता था तो कह के आया था बाबा मुझे अमेरिका भेज दे, तुझे भी साथ लेके जाऊंगा, तू तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही भूल गया यार मुझे। और जैसे ही ये ख्याल आया एक गाड़ी रुकी लंबी सी, अंदर से आवाज आई आर यू इंडियन, बोला यस, भूखे हो, बोला हाँ, धोखा खाया है, बोला हाँ, छत भी नहीं है, बोला नहीं, कल का ठिकाना भी नहीं है, बोला नहीं, बोला बैठ जा। और जैसे ही बैठा तो गाड़ी के पीछे 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी, गाड़ी के पीछे बाबा का निशान, बोलिए 3 बाणधारी की। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों रुलाता, दोषी तो मैं हूं उन्हें क्यों रुलाता, उन्हें तुझ पे भरोसा तूने पाला पोसा है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे मैं जीतूंगा एक दिन। क्या बात है जियो, हारा हूं आपके लिए गा रहा हूं, हारी हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन
मेरा दिल ये कहता है मेरी नाव चला जाओ मेरे मांझी बन जाओ रोते को बाबा शाह तुम गले लगा जाओ ऐसा सांवरा मेरा ऐसा सांवरा ऐसा सांवरा मेरा ऐसा सांवरा बोलिए शाम प्यारे की देखिए बड़ी पावन पूज्य श्री जया किशोरी जी ने यहां पर भागवत कथा बाची हजारों भक्तों ने आगरा के जिस कथा के लिए आज दुनिया तरस रही है वो श्री श्याम सेवक समिति के तत्वाधान में आगरा नगरी पावन हुई। ठाकुर जी स्वयं वृंदावन से आगरा में आए, आज शाम को ही कल हवन होगा जिसके उपलक्ष में आज का ये कीर्तन था। पूरी इस समिति के लिए एक बार जरा तालियां बजाएं, इसलिए नहीं कि मुझे बुलाया है, मुझे बुलाना बड़ा आसान है लेकिन इतना बड़ा आयोजन 7 दिन तक निरंतर करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े सेठ हैं, दुकानदारी छोड़कर फैक्ट्रियां छोड़कर आपके लिए आपके कानों तक कथा पहुंच जाए इसलिए बैठे जरा।